Binge watching, yani lagatar media consume karna, phir chahe wo web ki series ho, filmein ho. Ye bataiye Bhawna, aapne koi bhi web series ke lagatar kitne episodes dekhe? It depends ki interest kitna aa raha hai. Agar interesting hai to? तो कोशिश तो ये रहती है कि एक रात में निपटा दूँ। हाँ, ऐसे बहाने बिल्कुल नहीं चलेंगे। यदि हम बिंज वॉचिंग करते हैं तो उसका असर हमारी मानसिक सेहत पर क्या पड़ता है, ये बताने के लिए डीडी मॉर्निंग शो में आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर मीना चंद्रा का। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। आप साइकियाट्रिस्ट हैं डॉक्टर आरएमएल अस्पताल नई दिल्ली से। डॉक्टर मीना, बिंज वॉचिंग क्या एक डिजिटल ड्रग हो सकती है जिसका एडिक्शन हमें हो सकता है? बिंज वॉचिंग से एडिक्शन हो सकता है, लेकिन डिजिटल ड्रग तो एक कैची नेम है तो आसानी से समझने के लिए कि पब्लिक समझे कि हाँ ये भी ड्रग्स जैसा ही सीरियस है। तो जब हम लगातार कुछ भी करते हैं, कंज्यूम करते हैं, बाकी सब चीज़ों को निग्लेक्ट करते हैं, तो उसका दुष्परिणाम तो होता ही है और कई बार वो कंट्रोल हमारे हाथ से निकल जाता है। हम इतना देखते हैं कंटेंट तो लगता है वही सही है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है और पता नहीं चलता कब हम इसके लत में पड़ जाते हैं, तो एडिक्शन भी हो जाता है। तो ये एडिक्शन जो है क्या मेंटल हेल्थ को इतना ज़्यादा प्रभावित करती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि माइंड है तो सब कुछ है, हम अपने दिमाग से ही सब कार्य करते हैं और अगर हमारा दिमाग कहीं एक और केंद्रित हो जाए और बाकी सारी चीज़ों को हम निग्लेक्ट कर दें तो ये तो स्वस्थ नहीं है। पर डॉक्टर मीना, जैसे भावना जस्टिफाई कर रही थी कि अगर इंटरेस्टिंग है सीरीज और बनाते बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, खासतौर पे जो एपिसोड खत्म होता है आपका मन होता है दूसरे में क्या जी? तो ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि इंटरेस्टिंग है, हमारे पास फ्री टाइम है, हम तो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया जस्टिफाई, यानी ये सही नहीं है लेकिन लोग जस्टिफाई करना चाहते हैं। जैसे पहला समय था कि सीरीज का अगला एपिसोड एक हफ्ते बाद आता था, रामायण देखिए आप, महाभारत, और संडे को इंतजार रहता था कि हाँ नेक्स्ट एपिसोड आएगा, उसमें क्या आएगा, तो एक क्यूरियोसिटी, एक उत्सुकता बनी रहती थी। अब क्या है कि वेब सीरीज है तो एक साथ ही सारे एपिसोड्स रिलीज कर दिए जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो आपका सीजन वन एपिसोड वन टू थ्री सिक्स सीजन टू सेम डे सब रिलीज होता है, तो वेट तो करना नहीं है और उत्सुकता इतनी होती है क्योंकि जहाँ एक एपिसोड एंड होती है उसमें इतना रोमांच होता है, लगता है कि हमें दूसरा भी देखना है, अब दूसरे के बाद नहीं देखेंगे, फिर तीसरा भी देखना है, फिर सीजन वन खत्म हो जाता है, लगता है सीजन वन भी के बाद टू भी है तो फिर थ्री का इंतजार भी रहता है और फिर समय नहीं होता, तो जैसे भावना ने कहा कि सैटरडे और संडे को निपटा देते हैं, फिर ऐसा होता है कि पूरे समय निपटा देते हैं, जैसे आपके क्लिपिंग में था कि टूथब्रश कर रहे हैं तब भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब आपके अस्पताल में केसेस आते हैं ऐसे? बिल्कुल आते हैं और काफ़ी ज़्यादा आते हैं, दो तरीके से आते हैं, कुछ तो बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं तो उनके माँ बाप लेके आते हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहे, बात नहीं करते, अपने भाई बहन से भी बात नहीं करते, लड़ाई भी नहीं करते, लेकिन वो दोनों भाई बहन लगे हुए हैं बिंज वॉचिंग में। दूसरा है जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, एडोलेसेंट या एडल्ट्स हैं, वो आ रहे हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है, हम सिविल की तैयारी कर रहे हैं और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है, थक गए पढ़ते पढ़ते, एक देख लेते हैं, उसके बाद चार घंटे निकल जाते हैं वो देखे ही जा रहे हैं। और नॉट जस्ट वेब सीरीज, कुछ भी कंटेंट है, जैसे एक कोई न्यूज़ है, अब जैसे इलेक्शंस ही हैं अभी, तो एक साइट पे देखा, एक न्यूज़पेपर साइट पे, फिर दूसरी सोशल मीडिया साइट पे, फिर तीसरे प्रेस पे, तो आईपीएल है तो उसकी न्यूज़, एक तो आईपीएल पर से, फिर उसकी न्यूज़, तो वो जो रिलेटेड कंटेंट है डिफरेंट साइट्स पे देखते रहते हैं, चाहे रेपिटेटिव हो जाए, दे ऑल्सो रियलाइज कि रेपिटेटिव हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि अब मान लीजिए जैसे आपने रामायण महाभारत का जिक्र किया, कोई मोटिवेशनल कोई सीरीज चल रही है, कोई यू नो स्पिरिचुअल रिलेटेड कुछ कंटेंट मैं देख रही हूँ, या फिर मैं कोई कॉमिक सीरीज देख रही हूँ, तो मेरे तो हैप्पी हॉर्मोन्स डेवलप हो रहे हैं ना, मैं तो खुश हो रही हूँ, तो ये मुझको कैसे नेगेटिवली अफेक्ट करेगा? क्योंकि ये हैप्पी हॉर्मोन्स सस्टेनेबल नहीं है, है ना, ऐसा नहीं है कि अगर आपने 30 मिनट्स कंटेंट देखा उसका परिणाम वही होगा कि आपने 6 घंटे कंटेंट देखा, है ना, इट डजंट वर्क लाइक दैट, क्योंकि आप एक बेसलाइन से कुछ हैप्पी देखते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूअसली देखते जाते हैं तो सस्टेन थोड़ी होता है, वो सस्टेन नहीं होता, फिर हम इस फिराक में रहते हैं कि कुछ और अच्छा दिख जाए जिससे हम उतना खुश हो जाएं, और उस चक्कर में ही एडिक्शन हो जाता है। ये बिल्कुल क्षणभंगुर है, बस एक इंस्टेंट प्लेजर वाली बात है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। तो डॉक्टर साहब, अब जब हमने जाना कि इसका दुष्प्रभाव हो सकता है, तो अब सोल्यूशन क्या है, ये पैटर्न कैसे ब्रेक करें?
बहुत ज़रूरी है कि पहले रियलाइज करें कि पैटर्न हो गया है, नहीं तो लोग जस्टिफिकेशन नहीं करते हैं। जस्टिफिकेशन बहुत दी है। सभी करते हैं, हम में से सब ने ऐसा काम कभी ना कभी कर रखा होगा। नहीं, मैंने तो मनी हाइस्ट पूरा 22 एपिसोड देखे थे, तो मुझे लगा ही था। लेकिन जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन करें, एक्सेप्ट करें और उसके बाद रिस्पॉन्सिबल वे में कंटेंट को कंज्यूम करें। आप अपना टाइमिंग बना सकते हैं कि हाँ हम इतना ही देखेंगे, इस स्केड्यूल में देखेंगे, इतना काम करने के बाद देखेंगे, एंड ऑफ द डे देखेंगे या एंड ऑफ वीकेंड पे ही देखेंगे और इतना ही देखेंगे। और 6 घंटे और 8 घंटे देखना हेल्दी नहीं है तो सबको ही पता है। तो ठीक है, अगर वेब सीरीज आई है, डू यू वॉन्ट टू वॉच एवरी वीकेंड, एक एक एपिसोड देख लें, 4-6 हफ्ते अच्छे निकल जाएंगे, इंतज़ार भी रहेगा कि आप नेक्स्ट एपिसोड देखना है। एक और चीज़ कर सकते हैं, किसी के साथ देखें, तो फिर कंपनी में देखते हैं तो और ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। लेकिन क्योंकि वेब सीरीज हाथ में मोबाइल में दिख जाती है, है ना, तो लगता अकेले ही देख लेंगे, साथ देखेंगे तो और इन्जॉय करेंगे। तीसरी चीज़ है कि इसको जब बोर हो रहे हैं ऐसे नहीं करें, इंटेंशनली देखें। अच्छा, कोई भी कंटेंट है इंटेंशनली देखें। कई बार लोग रस्ते में मेट्रो में बोर हो रहे हैं, उसमें देख लिया, स्टेशन भी निकल गया, देखे जा रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंज्यूम करेंगे तो इट इज़ नॉट बैड। लेकिन अगर बच्चों की बात करें, बच्चे पढ़ाई से ब्रेक लेते हुए वो कोई कंटेंट देखना चाहते हैं और मान लीजिए कोई अच्छी ही सीरीज़ उनकी चल रही है, किड्स की इतनी सारी सीरीज़ होती हैं, लेकिन वो एक ब्रेक से वो मैराथन में कन्वर्ट हो जाती है, तो अब उस मैराथन पे ब्रेक कैसे लगाई जाए? बच्चों के केस में बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चों के साथ भी हम उन्हें उनके साथ निगोशिएट करते हैं कि कितना एक दिन में देखना चाहेंगे। वो कहेंगे 4 घंटे, हम कहेंगे फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, 2 घंटे, अच्छा हाफ एन आवर एवरी डे, वीकेंड पे 1 घंटा। तो वो हाफ एन आवर और 1 घंटे में जब वो अपने आप को केंद्रित करते हैं तो अपने आप ही कहते हैं ये नहीं देखना, ये वाले आधे घंटे में मैं अपनी चॉइस की ही देखूँ। तो वो भी प्रायोरिटाइज करना सीख जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उन पर थोपे नहीं कि भाई आप नहीं देख सकते, हम उनके साथ संवाद रखें, क्या ठीक है आधा घंटा देखेंगे, होमवर्क खत्म होने के बाद देखेंगे, शाम के गेम्स खेलने के बाद देखेंगे, इतना ही देखेंगे, दोनों भाई दोनों बहन एक साथ वही चीज देखेंगे। यानी हेल्दियर अल्टरनेटिव्स हों कि आप खेले भी सही, गार्डनिंग भी करें। डॉक्टर साहब, एक बात तो क्लियर हो गई कि मैं लगातार वेब सीरीज देख रहा हूँ, मुझे एहसास ही नहीं, लेकिन मुझे एडिक्शन हो सकता है और मानसिक सेहत पे मेरा असर। एक दूसरा पहलू कि मुझे मेंटल हेल्थ इशू है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, उससे एस्केप करने के लिए मैं वेब सीरीज देख रहा हूँ। तो ये जैसे वो चिकन एंड एग होता है कि मुर्गी और अंडा, तो दोनों तरीके से चलता है। अगर मानसिक स्वास्थ्य खराब है तो हम एस्केपिज्म के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए या अपनी पीड़ा को कम करने के लिए कंटेंट को कंज्यूम करना शुरू कर दें। और दूसरी चीज़ है कि कंटेंट इतना लुभावना होता है, उसके चक्कर में हम मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम साइकियाट्रिस्ट से मिलें, बातचीत करें, वो इस्टेब्लिश करेंगे पैटर्न क्यों है, किस वजह से है और पैटर्न को ब्रेक करने की तरीका क्या है। तो क्या ये बिंज ईटिंग को भी जन्म दे सकता है? हाँ, ये तो एक प्रवृत्ति है ना, तो हम सब में है, तो हम जिस चीज़ का भी कंजम्पशन करेंगे, प्रयोग करेंगे, वही होगा। तो बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, बिंज ईटिंग है, बिंज ड्रिंकिंग भी होती है, है ना? बिल्कुल, तो हमें ना कहना है। पर डॉक्टर साहब, ये जो बिंज के साथ इतने और लग गई चीजें, आपको लगता है कि जब 2020 में कोविड आया और हम लोग घर पे ही थे, वहां से थोड़ी हमें आदत लग गई? हाँ, कोविड एक वाटरशेड मोमेंट था पूरे इतिहास में, कि किसी को पता नहीं था कब तक चलेगा, क्या होगा, घर पे बैठे हैं तो, और डिजिटल अल्टरनेटिव्स एम्प्लॉयमेंट के लिए, एकेडमिक्स के लिए दिए गए। तो अगर आप नेट पे ही हैं तो आधा घंटा आप रिक्रिएशन कर रहे हैं और 8 घंटे काम कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद क्या, 8 घंटा रिक्रिएशन कर रहे हैं और आधा घंटा पढ़ाई कर रहे हैं। तो हाँ, बहुत लोगों का शुरुआत कोविड के ही पैंडेमिक में हुआ, लेकिन उससे पहले भी होता था, लेकिन इतना कॉमन नहीं था, अब ज़्यादा कॉमन है, अब ज़्यादा डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं बच्चों के लिए स्पेशली। जी, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे तो हैं ही, हम बड़ों को भी उस चीज़ की एक तरीके से एडिक्शन हो गई है कि हम सब देख ही रहे हैं वो, तो किस तरीके से वो, क्योंकि कहते हैं ना हम तो रोल मॉडल बनेंगे बच्चों के लिए, तो अब खुद पर कैसे कंट्रोल किया जाए? आपने कुछ चीज़ें बताई लेकिन फिर भी कई बार होता है कि नहीं हो पाता, तो और क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि वो जो बच्चे हैं वो कुछ और फ्रूटफुल चीज़ें कर सकें और हम भी किसी फ्रूटफुल चीज़ में इन्वॉल्व हो सकें? सबसे अच्छी बात अमित ने कही बातों बातों में, विकल्प।
जब हम विकल्प देते हैं पेरेंट्स को भी देते हैं, देखिए आपका भी ये पैटर्न है, आपके लिए ये विकल्प हो सकते हैं, आप अपनी इन्वेंट्री बनाइए कि बिंज वॉचिंग छोड़ के आप बाकी क्या चीज करना चाहेंगे, आप पुरानी कोई हॉबी पिकअप करना चाहेंगे, आप फोन पे अपने फ्रेंड से बात करना चाहेंगे, आप अपनी सोसाइटी की RWA में एक्टिव करना होना चाहेंगे, आप डांसिंग करना चाहेंगे, आप कोई क्रिएटिव हॉबी टेकअप करना चाहेंगे, आप योग करना चाहेंगे, तो पेरेंट्स को भी विकल्प देते हैं और बच्चों को भी विकल्प देखते हैं। तो जब स्वस्थ जीवन शैली शुरू होती है, आपने बहुत अच्छी बात कही रोल मॉडलिंग की, पेरेंट्स की अगर रोल मॉडलिंग अच्छी हो जाती है ना, बच्चे सोचते हैं हाँ अब मम्मी पापा भी नहीं देखते, नहीं तो जस्टिफिकेशन होता है मम्मी पापा भी तो देख रहे हैं हमें मना कर रहे हैं। तो विकल्प बहुत जरूरी है कि हमें एक पैटर्न को एक स्वस्थ पैटर्न से रिप्लेस भी करना है, ब्रेक ही नहीं करना, वी हैव टू गिव अ न्यू पैटर्न। और चलते चलते अगर हम ये विकल्प नहीं कर पा रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं, द ऑप्शन ऑफ विजिटिंग अ साइकियाट्रिस्ट, अ साइकोलॉजिस्ट, अ मेंटल हेल्थ काउंसलर ऑलवेज एग्जिस्ट, यस, एंड दैट इज ऑलवेज देयर इवन इफ यू आर ब्रेकिंग द पैटर्न, क्योंकि हम थोड़े से और तकनीकें सिखा सकते हैं, हम कुछ और सपोर्ट दे सकते हैं, और कुछ लोगों में अंडरलाइंग मानसिक इश्यूज हैं जो निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या ऐसी फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनका निदान भी तो करना है ना, सिर्फ बिंज वॉचिंग को ही नहीं ठीक तो करना। आखिरी सवाल मेरा भावना आपसे है, अब से अगर आपको इंटरेस्टिंग भी लग रही है वेब सीरीज तो आप कितने एपिसोड देखेंगी? नहीं, मैं पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी, एक बार में एक ही एपिसोड देखूंगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो फिर आप स्वस्थ रहते हैं। डॉक्टर मीना चंद्रा आज कार्यक्रम में आके जानकारी देने के लिए और भावना को सही राह पे लाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।